नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। मैं हूं आनंद कुमार और आज के इस लेक्चर में हम पिछले कुछ दिनों का छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर एनालिसिस करेंगे। आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, मुझे पता है। सबसे पहला सवाल तो ये आप लोगों के मन में उठ रहा है कि करेंट अफेयर इतना लेट क्यों हो रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑफिस शिफ्टिंग का काम चल रहा है, इसकी वजह से पूरा सेटअप अभी तैयार नहीं हो पाया है। अगर आज भी अगर मैं जब ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो देखोगे आप, लाइट का इशू यहाँ पर अभी भी थोड़ा बहुत बना हुआ है। तो थोड़ा सा सब्र रखिए, आने वाले समय में यानी कि बहुत जल्दी आपको बेहतर क्वालिटी के साथ रेगुलर जो करंट अफेयर्स है वो मिलता रहेगा। दूसरा आपका सवाल है, ये भी आपके मन में बहुत सारा उठ रहा है कि नेशनल करंट अफेयर हम कब करेंगे। अगस्त वाला भी बचा हुआ है, आने वाले समय में भी जो हमने एनालिसिस नहीं किया है, तो नेशनल करंट अफेयर को भी हम जैसे ही यहाँ का लाइटिंग पूरा सेटअप रेडी हो जाता है उसे भी कंटिन्यू कर लेंगे और बेहतर तरीके से खत्म करेंगे। और मैंने आपको शुरू में भी बोला है कि आप फिक्र बिल्कुल ना करें, आपके एग्जाम से पहले पूरे साल भर का करंट अफेयर हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बनती है, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कराने की जिम्मेदारी हमारी है। तो इसको लेकर भी आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, पूरा करंट अफेयर आपको पढ़ाया जाएगा, एक भी इंपॉर्टेंट टॉपिक छोड़ा नहीं जाएगा। और खासकर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसे अलग से हाईलाइट करके जरूर पढ़ाया जाएगा, तो आप निश्चिंत रहें। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात, आप लोग लगातार नीचे कमेंट सेक्शन में एसीएफ के लिए करंट अफेयर की डिमांड करते हैं कि क्या एसीएफ के लिए कैसे प्रिपरेशन करें, बहुत सारे सवाल आपके मन में हैं। तो एसीएफ को लेकर मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे हमने पिछले साल सीजीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से पहले एक मैराथन क्लास किया था और उसमें लगभग 4 से 5 घंटे में एक ही वीडियो में पूरे करेंट अफेयर को पढ़ लिया था, वैसे ही एसीएफ के लिए करेंगे। ये कब होगा, कैसे संचालित होगा, आने वाले समय में आपको एक वीडियो के माध्यम से मैं बता दूंगा। एसीएफ रेंजर के लिए एक ही वीडियो में पूरे छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर को एक ही दिन में कवर करेंगे, चाहे 5 घंटा लगे चाहे 6 घंटा लगे, वो क्लास लाइव संचालित किया जाएगा। तो एसीएफ एग्जाम के लिए करेंट अफेयर को लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए और थोड़ा सा ना आप अपना जो भरोसा है ना हम पर बनाए रखें, क्योंकि कुछ आने वाले एक दो वीडियोज में और तकलीफ आप लोगों को हो सकता है, लेट हो सकता है, लेकिन आपका पूरा कवर कर दिया जाएगा जैसे ही ऑफिस का पूरा सेटअप कंप्लीट हो जाता है। तो ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो ये लेक्चर होगा 21 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर 2021 तक का होगा। तो सबसे पहले हमने दो लेक्चर से क्वेश्चंस एनालिसिस नहीं किया, क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया, तो आज आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन है, नीचे कॉमेंट सेक्शन में आंसर जरूर कीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन हम पहले जो भी क्वेश्चन हैं इसका एनालिसिस हम पहले पिछले वीडियो में कर चुके हैं, तो आपको यहाँ पर सिर्फ आंसर करना है। नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो के एंड में मैं भी इन क्वेश्चंस का आंसर जरूर करूंगा। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन। 12 अक्टूबर को राज्यपाल अनुसुईया उइके ने न्यायमूर्ति अरूप गोस्वामी को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। आपको बताना यह है कि अरूप कुमार गोस्वामी छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के किस क्रम के चीफ जस्टिस हैं। ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से रहा, नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर कीजिएगा। यहां पर जो क्वेश्चन आपको दिया गया है ना, तो देखिए कि इस क्वेश्चन में ही कई आंसर आपके छिपे हुए हैं। सीजीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में यह भी पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ के हाल ही में किन्हें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, उनका नाम क्या है, तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कब इनको नियुक्ति दिलाया गया यानी कि कब से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने, तो क्वेश्चन में भी क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है। तो आप जो प्रिपरेशन करेंगे ना, तो इसी हिसाब से करिएगा, देखिएगा कि क्या क्वेश्चन में क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है, तो ये बेहतर तैयारी आपका हो सकता है अगर इस वे में करेंगे तो। ठीक, चलिए सेकंड क्वेश्चन। हाल ही में सांसद आदर्श ग्राम योजना की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक इस योजना के क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ को पूरे देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, एनालिसिस कर चुके हैं, डीप में एनालिसिस किए थे, इसका आंसर भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में करिएगा। चलिए इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 14 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के राजकीय गमछे का लोकार्पण किया, इस गमछे की चौड़ाई और लंबाई क्रमशः। सीक्वेंस हमेशा क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि किस तरह से पूछ रहा है। यहां दिया हुआ है चौड़ाई और लंबाई क्रमशः है, तो पहले आपको चौड़ाई जज करना है और उसके बाद लंबाई। क्वेश्चन का सीक्वेंस चेंज भी हो सकता है, हो सकता है पहले आपको लंबाई दे उसके बाद चौड़ाई दे, तो आंसर आप सोच समझ कर करिएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज की संकल्पना को अक्षुण रखने के लिए छत्तीसगढ़ के किस स्थान में वर्धा के तर्ज पर सेवा ग्राम की स्थापना की जाएगी। ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से रहा, आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में करिएगा। इसके बाद आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, मुख्यमंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के गौठानों में गोबर से विद्युत उत्पादन परियोजना का शुभारंभ कब से किया गया।
ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से रहा, आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करिए। ठीक, चले बढ़े एनालिसिस की तरफ। तो आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है, ध्यान रखिएगा ये सिर्फ 7 नवंबर तक का करेंट अफेयर है, इसके बाद जो भी डेट आगे निकले हैं उसका भी हम कवर करेंगे बहुत जल्द और बेहतर क्वालिटी के साथ। ठीक, तो जो पहला टॉपिक है इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड जो कि छत्तीसगढ़ को हाल ही में मिला है, क्या हो गया भाई आज? ठीक, तो हाल ही में बायोफ्यूल के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं। और जब आप देखोगे, जैसे ही 2019 में जब न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था, तो उस समय बायोफ्यूल को जो है प्रायोरिटी सेक्टर में रखा गया था, प्राथमिकता सेक्टर में रखा गया था। और छत्तीसगढ़ में बायोफ्यूल यानी कि एथेनॉल उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लगातार जो है ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। और इसी के संदर्भ में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए जो है छत्तीसगढ़ सरकार को इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी द्वारा इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड से नवाजा गया है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड से सम्मानित किया गया छत्तीसगढ़ को, ये आपको याद रखना है। अब कौन से कैटेगरी में छत्तीसगढ़ को यह अवार्ड प्राप्त हुआ है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कैटेगरी है बायोफ्यूल आउटस्टैंडिंग रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन प्रोजेक्ट। तो ये कैटेगरी भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसका, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बायोफ्यूल का। तो कभी ना कभी आपसे मेंस एग्जामिनेशन में भी यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो इसीलिए आप मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी इस टॉपिक को बेहतर तरीके से जो है प्रिपेयर करके जाएंगे। जैसे छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया, 2019 में नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च किया जो कि 2019 से 2024 तक चलेगा। और इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में बायोफ्यूल को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत ही ठोस कदम उठाए हैं। अभी कुछ दिन पहले, इससे पहले वाले लेक्चर में ही जब हमने एनालिसिस किया था, तो ये एनालिसिस किया था कि छत्तीसगढ़ सरकार ने बायोफ्यूल के क्षेत्र में अगर कोई कंपनी 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट छत्तीसगढ़ में करती है, हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, मेंस एग्जामिनेशन के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर पेपर एसे में आप लिख रहे हैं तो वहां भी वैल्यू एडिशन के लिए बहुत सारे पॉइंट यहां से आपको मिल जाएंगे, पेपर नंबर 5 में भी काम आ सकता है। तो मैं बोल रहा था कि अगर कोई कंपनी छत्तीसगढ़ में 100 करोड़ रुपए या इससे अधिक का इन्वेस्टमेंट बायोफ्यूल के क्षेत्र में करती है तो छत्तीसगढ़ सरकार उसे बहुत तरह का प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल पर पूरी तरह से छूट दिया जा रहा है, स्टाम्प ड्यूटी पर बहुत सारे छूट दिए जा रहे हैं, SGST पर बहुत सारे छूट दिए जा रहे हैं। हमने पिछला वीडियो में बहुत ही डिटेल एनालिसिस किया था, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो बायोफ्यूल के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ सरकार, अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ समय से टोटल 15 यूनिट्स के साथ में MOU साइन कर चुकी है कि कहां कहां पर बायोफ्यूल का संयंत्र जो है छत्तीसगढ़ में सरकार द्वारा लगाया जाएगा। 15 यूनिट्स के अलावा छत्तीसगढ़ सरकार जो है PPP मॉडल पर, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर भी यहां पर बायोफ्यूल स्टैब्लिश करने जा रही है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर जो छत्तीसगढ़ का पहला इंडस्ट्री लगाया जाएगा एथेनॉल और या फिर बायोफ्यूल प्रोड्यूस करने के लिए, वो आपका भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना कवर्धा में लगाया जाएगा। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार देखोगे तो बायोफ्यूल को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे जो स्टेप्स हैं वो छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले कुछ समय में लिए हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो छत्तीसगढ़ में क्या बायोफ्यूल उत्पादन करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के पास में क्षमता है, तो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है फर्स्ट जनरेशन से जो बायोफ्यूल का उत्पादन किया जाता है, जैसे खाने पीने की चीज़ों से, जैसे धान से किया जाता है, गन्ने से किया जाता है, तो छत्तीसगढ़ में धान का उत्पादन काफ़ी अधिक है और यहाँ पर छत्तीसगढ़ का खपत होने के बाद बहुत मात्रा में धान बचता भी है। तो उस धान से यहाँ पर बायोफ्यूल का उत्पादन किया जाएगा, गन्ने से बायोफ्यूल का उत्पादन किया जाएगा। पिछले लेक्चर में हमने ये भी डिस्कस किया था कि कोंडागांव में गन्ने से बायोफ्यूल उत्पादित करने के लिए भी वहाँ पर प्लांट लगाया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ में संभावना बहुत अधिक है। तो ये सारे पॉइंट को आपको ध्यान में रखना होगा। अब यहाँ पर बायोफ्यूल इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से टारगेट फिक्स किया गया है 2022 तक गाड़ियों में जो एथेनॉल का ब्लेंडिंग किया जाता है वो 2022 तक 10% तक बढ़ाया जाएगा। अभी वर्तमान समय में अगर आप देखोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का टारगेट है कि बायोफ्यूल का जो ब्लेंडिंग है वो 5% तक होना चाहिए।
लेकिन कई राज्यों में 5% भी नहीं होता है, 2% 1.5% कहीं कहीं तो होता भी नहीं है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि हम बायोफ्यूल के क्षेत्र में बेहतर कार्य करेंगे, राज्यों को सपोर्ट करेंगे, उन्हें इंसेंटिव देंगे और 10% 2022 तक लक्ष्य रखा गया है और यही लक्ष्य को 2030 तक रखा गया है 20% तक, यानी कि पेट्रोल और डीजल में एथेनॉल का ब्लेंडिंग किया जाएगा 20% तक 2030 तक। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने टारगेट डिसाइड किया है और बायोफ्यूल जो एथेनॉल है वो पेट्रोल में ब्लेंडिंग करने से क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम होता है, गाड़ियां बेहतर चलती हैं, प्रदूषण कम होता है, तो ये सारे इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और ये सब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेप ले रही है बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 के अकॉर्डिंग, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इस पॉलिसी को लॉन्च किया गया था, तो इस पॉलिसी के बारे में भी आपको याद रखना होगा। ठीक, चलिए बढ़े आगे। इस तरह से हम डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि जो है आपका मेंस के लिए भी बहुत सारे आपके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मिल जाएंगे जिसका वैल्यू एडिशन मेंस के एग्जामिनेशन में कर सको। ठीक, चलिए आगे बढ़े। अगला जो हमारा टॉपिक है, छत्तीसगढ़ का रायगढ़ जिला वैक्सीनेशन रेट में देश में सर्वोच्च स्थान पे है। अभी कुछ दिन पहले ही भारत सरकार ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन का टारगेट अचीव किया है और 100 करोड़ डोज वैक्सीनेशन का जो टारगेट है एक बहुत बड़ा नंबर है। अब इसके बाद ही कि कौन सा जिला सबसे बेहतर वैक्सीनेशन में अव्वल रहा, तो एक प्राइवेट एजेंसी द्वारा कुछ आंकड़े जारी किए गए और इस आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ का जो रायगढ़ जिला है वो देश में सर्वोच्च स्थान पर है। ठीक, छत्तीसगढ़ का जो रायगढ़ जिला है वो वैक्सीनेशन रेट में 79.66% है और अभी एक दो दिन पहले ही छत्तीसगढ़ सरकार ने भी एक डेटा रिलीज किया गया था कि रायगढ़ में 100% वैक्सीनेशन को अचीव कर लिया गया है। तो अगर 100% वैक्सीनेशन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है छत्तीसगढ़ में, अगर पूरे देश भर में सर्वोच्च जिला में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला शामिल है, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है तो आंसर क्या होगा, रायगढ़। याद रखिएगा, वैक्सीनेशन रेट याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का 79.66%, जो कि छत्तीसगढ़ ने कुछ दिन पहले ही एक और डेटा रिलीज किया तो ये आंकड़ा अब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के अनुसार 100% हो चुका है। ठीक, इसी तरह इस प्राइवेट एजेंसी के अनुसार हिमाचल प्रदेश का हमीरपुर जो जिला है वो सेकंड नंबर पे है 72.21 वैक्सीनेशन के साथ और इसके बाद उत्तराखंड का चमोली जिला 70.81% के साथ तीसरे नंबर पे है। एक बात और, इस लेक्चर का पीडीएफ आपको कहाँ मिलता है पता है ना, टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर यहाँ पर टेक्स्ट में थोड़ा सा इशू हो रहा है, अगर आपको हो रहा है तो आप टेलीग्राम से पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लें और टेस्ट सीरीज भी हमारा 14 नवंबर से शुरू हो रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेस्ट सीरीज का लिंक दिया हुआ है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन किया हुआ है, तो वहां से आप जाकर टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। ठीक, एबीपी ने यह सर्वे किया था और इसके आंकड़ों के अनुसार जो है रायगढ़ टॉप पे है छत्तीसगढ़ का, हिमाचल प्रदेश का हमीरपुर है, उत्तराखंड का चमोली है, उत्तराखंड का चंपावत है, गुजरात का नर्मदा है, केरल का वायनाड है। तो इस तरह से जो टॉप जिला है पूरे भारत में वैक्सीनेशन के क्षेत्र में, तो आप इसे देख सकते हो, कहीं ना कहीं मेंस में भी आप इसका वैल्यू एडिशन कर सकते हो अगर कोरोना वैक्सीनेशन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो। क्लियर, इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, कभी भी लीगल सर्विसेज से संबंधित या जुडिशरी से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो जुडिशरी सेक्टर में आज के टाइम पे भी असमानता बहुत है। असमानता बहुत है का मतलब क्या हुआ कि अगर एक गरीब आदमी का कोई भी इंसान हो, अगर उसको कोर्ट में केस लड़ना है तो उसे बहुत सारे तकलीफों का सामना करना पड़ता है, वो अच्छे वकील हायर नहीं कर सकता, वो अच्छा पैसा खर्चा नहीं कर सकता। लेकिन वही एक जो अमीर व्यक्ति है या सक्षम व्यक्ति है वो पैसा खर्च करके अच्छे से जो है ज्यूडिशरी का लाभ ले सकता है, यानी कि उसके जो अधिकार हैं उसके खिलाफ अच्छे से लड़ सकता है। और इन सब के प्रति ही जागरूकता फैलाने के लिए, इस असमानता को खत्म करने के लिए, लीगल सर्विसेज में समानता लाने के लिए आज़ादी के 75वें दिवस के अवसर पर जो पूरे देश भर में अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, उसी अमृत महोत्सव के तहत में मेगा लीगल सर्विसेज कैंप का भी आयोजन किया जा रहा है। और मेगा लीगल सर्विसेज कैंप का जो आयोजन है पूरे देश भर में 2 अक्टूबर से 14 नवंबर 2021 तक मनाया जा रहा है। और यह जो मेगा लीगल सर्विसेज कैंप जो है किसके द्वारा मनाया जा रहा है, तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
यानी कि नालसा की तरफ से, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देख लेते हैं। ये तो क्लियर हो गया कि कब से कब तक मेगा लीगल सर्विसेज कैंप का आयोजन किया जा रहा है। 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक पूरे देश भर में छत्तीसगढ़ में मेगा लीगल सर्विसेज कैंप का आयोजन किया गया, इसी के तहत 24 अक्टूबर को। तो सबसे पहला आपको यही याद रखना है, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में लीगल अथॉरिटी कि छत्तीसगढ़ में न्याय से संबंधित मेगा लीगल सर्विसेज कैंप का आयोजन कब किया गया, तो आंसर होगा 24 अक्टूबर। और इसका आयोजन जो है आजादी के अमृत महोत्सव के तहत किया जा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया। और इस कैंप का आयोजन जो है समाज के वंचित वर्ग को न्याय दिलाने से संबंधित किया जाएगा। उन्हें ये बताया जाएगा कि आपका भी उतना ही अधिकार है जितना एक सक्षम व्यक्ति का है न्याय के प्रति, ये भी जागरूकता जो है उनके बीच में दिया जाएगा। ठीक, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एजेंसी है, और इस एजेंसी का जो मुख्य कार्य है, जैसे मैंने बताया कि असमानता, गरीब और अमीर के बीच में ये जो न्याय प्राप्त करने के लिए जो बीच का गैप है, उस गैप को पाटना ही इस एजेंसी का काम है। और इसे एक एक्ट के तहत बनाया गया था, इस एक्ट का नाम है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के, इस एक्ट के तहत में बनाया गया था, और 1987 से जो है यह कार्य कर रहा है। याद रखिएगा, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का जो संरक्षक होता है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, और इसके जो कार्यवाहक अध्यक्ष होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो सेकंड सबसे हाईएस्ट रैंक के जज होते हैं, यानी कि चीफ जस्टिस के बाद जो वरिष्ठ क्रम में जिनका सेकंड नंबर आता है, वो जो है इसके कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं। तो आपसे पॉलिटी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस बात को भी आप यहाँ ध्यान रखिएगा। अच्छा, हमारे संविधान में भी विधि से संबंधित आर्टिकल का उल्लेख किया गया है, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 22(1), इसमें दिया गया है विधि के समक्ष समानता का अधिकार सुनिश्चित करेगी कौन, राज्य। तो इस बात को भी याद रखिएगा, यानी कि कोर्ट के सामने जो भी लीगल सर्विसेज हैं उसके सामने समानता होना चाहिए, ये जो है मौलिक अधिकार में आता है, आर्टिकल 14 और 22(1) में शामिल है। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, विधि के समक्ष समानता का अधिकार कहां उल्लेख है। ठीक, चलिए आगे बढ़े। ये भी याद रखिएगा कि संविधान के का जो आर्टिकल है 39(a) के अनुसार समाज में वंचित वर्ग को निशुल्क न्याय प्रदान करने का कार्य जो है राज्य सरकार द्वारा किया जाना है। तो तीन आर्टिकल याद रखना है, 14, 22(1) और 39(a), ये तीनों आर्टिकल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं प्रीलिम्स में अगर आपसे पूछा जा सकता है लीगल सर्विसेज, निशुल्क लीगल सर्विसेज, तो यहां पर आप तीनों आर्टिकल के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला जो टॉपिक है ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2019 में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 5 त्योहारों पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई थी, ये हमने पढ़ा भी है। अगर आप 2020 में या फिर 2019 में मेरी क्लास अटेंड किए होंगे तो आपको पता होगा कि कौन कौन सा वो 5 त्यौहार है जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार ने सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की थी। और 2019 या 20 वाले CGPSC के एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स एग्जाम्स में एक क्वेश्चन पूछा भी गया था। और अब जो है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2 और त्यौहारों पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले वो 5 मैं आपको रिमाइंडर करा दूं कि वो कौन कौन से त्यौहार थे। तो सबसे पहला कौन सा था, आदिवासी दिवस, दूसरा हो गया आपका छठ पूजा, तीसरा हो गया आपका हरेली, चौथा हो गया आपका हरतालिका या फिर तीजा कह लें, और पांचवा हो गया कर्मा। तो ये 5 त्योहारों पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वर्ष 2019 में की गई थी। और अब साकंभरी जयंती और छेरछेरा पुन्नी, ये 2 त्योहारों के अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में शासकीय अवकाश की घोषणा की है, यानी कि सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और आपको ध्यान रखना है कि यह साकंभरी जयंती क्या होता है। तो पौष मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से साकंभरी नवरात्र की शुरुआत होती है। पौष माह का अगर हम नवरात्र की बात करें तो ये लगभग दिसंबर के आखिरी या फिर जनवरी में ही आता है, और पौष पूर्णिमा
जब समाप्त होता है तो इसे ही साकंभरी जयंती कहा जाता है, यानी कि पौष पूर्णिमा का जो आखिरी दिन होता है वो साकंभरी जयंती के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि पौष मास की पूर्णिमा तिथि को माँ दुर्गा ने मानव समाज के कल्याण के लिए माँ साकंभरी का अवतार लिया था। अब साकंभरी से संबंधित आपको एक पॉइंट यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर में ये बन जाता है, अगर पूछा जाता है कि साकंभरी किसका रूप है, माँ दुर्गा का, माँ लक्ष्मी का, माँ सरस्वती का, तो आपको आंसर लेना है माँ दुर्गा का। चार भुजाओं वाला माँ दुर्गा को प्रस्तुत किया गया है साकंभरी के रूप में, कहीं अष्ट भुजाओं का भी उल्लेख है लेकिन ज्यादातर अगर आप देखोगे तो चार भुजाओं का ही उल्लेख है साकंभरी माता में, ठीक है। और इसे आदि शक्ति का सौम्य रूप भी कहा जाता है। तो इसलिए आर्ट एंड कल्चर का अगर साकंभरी माता से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, साकंभरी जयंती से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछ दे, अगर न्यूज़ में है तो हो सकता है कि आपको जो न्यूज़ में है वो ना पूछे, इसका स्टैटिक पार्ट पूछ ले। साकंभरी जयंती जैसे सार्वजनिक अवकाश घोषित किया तो हो सकता है साकंभरी जयंती कब मनाया जाता है ये क्वेश्चन पूछ दे आपसे, तो पौष माह के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है जैसे मैंने आपको बताया। साकंभरी किन का रूप है, तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या छेरछेरा से संबंधित आर्ट एंड कल्चर का पार्ट बनाकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसे भी आप कवर करते चलेंगे। करेंट अफेयर का वेटेज आपको पता है ना, लगातार बढ़ते जा रहा है, हो सकता है आपसे डायनेमिक क्वेश्चन ना पूछे करेंट अफेयर लेकिन स्टैटिक पूछ दे, तो इसीलिए करेंट अफेयर को जब लोग बोलते हैं ना कि करेंट अफेयर को कितना प्रिपेयर करें, लास्ट में एक मैगजीन उठाएंगे पढ़ लेंगे, बहुत सारे लोगों का ये थिंकिंग रहता है ना, लेकिन ये थिंकिंग बहुत गलत है। अगर एग्जाम क्रैक करना है, बेहतर आंसर राइटिंग करना है, सिर्फ प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर ना पढ़ के आपको पूरे एग्जाम का करंट अफेयर प्रिपेयर करना है, तो पूरे साल भर पढ़िए, खुद से नोट्स बनाइए, और डायनेमिक के साथ साथ स्टैटिक पार्ट को कवर करते चलोगे ना, तो करंट अफेयर से ही आपका 50% क्वेश्चन कवर हो सकता है। मैं 50% बोल रहा हूँ, अगर डायनेमिक और स्टैटिक उसी टॉपिक को पकड़ के पढ़ते चलो तो 50% से ज़्यादा कवर हो सकता है। डायरेक्ट आजकल करंट अफेयर से क्वेश्चन 20 से 25 पूछ रहे हैं, छत्तीसगढ़ और नेशनल इंटरनेशनल मिला दो तो। इसलिए करंट अफेयर को लाइटली बिल्कुल मत लीजिएगा, लास्ट में एक मैगजीन के भरोसे आप बिल्कुल मत रहिएगा। किस्मत साथ दिया तो एग्जाम क्रैक हो जाएगा, अगर किस्मत साथ नहीं दिया तो उस मैगजीन के भरोसे एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता, इसलिए पूरे साल भर पढ़ो। हाँ, एक साथ मैं रिवीजन जरूर कराता हूँ लेकिन जो पूरे साल भर आप पढ़े रहते हो ना उसको रिमाइंड कराने के लिए पढ़ाता हूँ, तो इसलिए पूरे साल भर का करंट अफेयर प्रिपेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। 15 अगस्त को जो चार जिलों के गठन से संबंधित घोषणा किया गया है, पिछले साल भी 2019 में एक नए जिले का घोषणा किया गया था, गौरेला पेंड्रा मारवाही, और उस गौरेला पेंड्रा मारवाही से अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, 2019 में भी नहीं पूछा गया, 2020 में भी नहीं पूछा गया, तो हो सकता है कि इस वर्ष ये चार जिलों को छोड़कर गौरेला पेंड्रा मारवाही से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ ले, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। गौरेला पेंड्रा मारवाही जिले के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, चाहे उसका भौगोलिक सीमा हो गया, गठन कब हुआ, चाहे वहाँ का जो पॉपुलेशन है वो किस प्रकार से है, बहुल आबादी वहाँ का किस प्रकार से है, कौन कौन से तहसील हैं, कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र हैं, कौन से लोकसभा क्षेत्र में आता है, तो ये सब गौरेला पेंड्रा मारवाही से रिलेटेड आप तैयार करके जाएंगे, क्योंकि नहीं पूछा है तो हो सकता है इस साल पूछ दें। और इस चार जिले का जो अनाउंसमेंट हुआ है, आपको इस चार जिले से संबंधित सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना ने गवर्नमेंट डिक्लेयर किया है, इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। गवर्नमेंट ने क्या क्या डिक्लेयर किया है इस बात को ध्यान रखिएगा, मैंने सारा कवर कराया। हाँ, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में आए, ये आए, वो आए, ये होगा, ऐसा होगा, अनुमान लगाकर नहीं पढ़ना है, जितना गवर्नमेंट ने डेटा दिया है उतना ही पढ़ना है। तो गवर्नमेंट ने हाल ही में एक और डेटा रिलीज किया है तीन जिलों से संबंधित, एक जिले का भी डेटा जारी नहीं किया है। इसका अनाउंसमेंट डेट याद रखिएगा, 15 अगस्त 2021 को अनाउंस किया गया कि छत्तीसगढ़ में चार और नए जिलों का गठन किया जाएगा, 28 से 32 हो जाएगा, वर्तमान समय में 28 ही है, 32 होगा जब यह अस्तित्व में आएगा। तो तीन जिलों के गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, गवर्नमेंट ने कुछ डेटा जारी किया है, तो कौन कौन सा ये तीन जिला है जिसका डेटा रिलीज हुआ है, तो मोहला मानपुर हो गया, अंबागढ़ चौकी हो गया, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी एक ही जिला है ध्यान रखिएगा, और इसके बाद सक्ती हो गया और सारंगगढ़ बिलाईगढ़ हो गया। तो इस तरह से तीन जिलों का डेटा रिलीज किया है, तो ये डेटा किससे संबंधित है, भौगोलिक सीमा से संबंधित है, आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। और इन तीन जो नए जिलों का संबंध से संबंधित जो भौगोलिक सीमा है, राजपत्र में प्रकाशित किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने, कब किया है, 20 अक्टूबर 2021 को। अब यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा कि राजपत्र में प्रकाशित किया तो अस्तित्व में आ गया, नहीं, ये राजपत्र में प्रकाशित किया गया है एक सूचना के रूप में, इंफॉर्मेशन के रूप में, कि
ये हमारा इंफॉर्मेशन है, आप देखिए। अगर इस पर आपको कोई आपत्ति है, कोई सुझाव देना है, तो आप यहां पर इस तिथि से 60 दिन तक अपना सुझाव जो है उस सरकार को भेज सकते हैं, यानी कि अपना दावा आपत्ति सरकार को भेज सकते हैं। अब यहां पर एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जिलों के गठन से संबंधित जब सूचना से संबंधित राजपत्र प्रकाशित किया जाता है, उसके बाद 60 दिनों का वहां की जनता को मौका दिया जाता है कि आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। तो ये दावा आपत्ति किसे किया जाता है सरकार में? तो दावा आपत्ति किया जाता है राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को। ध्यान रखिएगा, प्रश्न से पूछा जा सकता है दावा आपत्ति जिला गठन से संबंधित किसे किया जाता है, तो राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, वहां के जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं इस डिपार्टमेंट के, उनको दावा आपत्ति आप कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब इसका जो है मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी का जो भौगोलिक सीमा छत्तीसगढ़ सरकार ने तय किया है और जो इंफॉर्मेशन रिलीज किया है, इसका जो भौगोलिक सीमा है वो किस प्रकार से होगा, तो यहां पर हम नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट में देखते हैं कि क्या क्या और कौन कौन सा क्षेत्र आता है। ठीक, नॉर्थ साउथ और ईस्ट और वेस्ट। ठीक, उत्तर में तहसील छुरिया आएगा इस जिला का और राजनांदगांव जो है वो होगा जिला, और मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जो है वो राजनांदगांव को तोड़कर ही बनाया गया है। क्लियर है? चलिए, नॉर्थ की बात हो गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं दक्षिणी सीमा की। दक्षिणी सीमा कौन सा तहसील आएगा? दुर्ग, कोंदल एवं पंखाझूर, ये आएगा आपका नॉर्थ बस्तर का एक जिला है कांकेर, वो उसको टच करेगा और इस तहसील को टच करेगा। ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पूर्वी सीमा तहसील डोंडी होगा, डोंडी लोहार, और जिला जो होगा वो बालोद होगा। पश्चिमी सीमा कौन सा होगा? तो ये महाराष्ट्र राज्य की सीमा प्रस्तावित की गई है, यानी कि यह जो है महाराष्ट्र राज्य को टच करेगा। तो ये चार जिलों में से, इसके बारे में ये भी याद रखिएगा कि मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जो है महाराष्ट्र जिला को भी जो है स्पर्श करेगा। क्लियर? इसके बाद मोहला मानपुर कहाँ पर है, तो ये भी आप यहाँ पर मैप पर देख लो, ये राजनांदगांव का साउथ पार्ट है और यहीं पर है मोहला मानपुर। क्लियर? और अंबागढ़ चौकी भी इसी क्षेत्र में आता है। अगला, सक्ती जिला की सीमाएं किस प्रकार से होंगी? तो सक्ती की जो सीमाएं हैं वो यहां पर आप देख सकते हो। उत्तर में तहसील करतला आएगा, जिला कौन सा? कोरबा। दक्षिण में तहसील सारंगढ़ आएगा, जिला कौन सा? रायगढ़। पूर्व सीमा कौन सा आएगा? तहसील खरसिया एवं जिला रायगढ़। और पश्चिमी सीमा कौन सा आएगा? तहसील सारंगांव एवं बहमनीडीह, जिला जांजगीर चांपा। ये जो है इस तरह से प्रस्तावित किया गया है इसका भौगोलिक सीमा। सक्ती जिला किससे अलग होकर बन रहा है? तो ये आपका बन रहा है जांजगीर चांपा से अलग होकर। क्लियर? अब सक्ती का भी आप मैप में यहां पर अगर चाहो तो आप देख सकते हो कि सक्ती जिला कहां पर है। तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट चांपा जिले में सक्ती क्षेत्र स्थित है, ये जिला वहां पर होगा। क्लियर है? इसके बाद जो तीसरा जिला है, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले की सीमा है। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जो है वो छोटा छोटा सा पार्ट दो जिलों से निकलेगा, एक आपका रायगढ़ से निकलेगा और एक आपका भाटापारा बलौदा बाजार से निकलेगा। ठीक है, उत्तर में कौन सा क्षेत्र होगा? तहसील पुसौर जिला रायगढ़ तथा तहसील डबरा जिला जांजगीर चांपा, दो जिला नॉर्थ को टच करेगा सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जो जिला है वो। अब दक्षिण सीमा क्या होगा? तहसील होगा सरायपाली, जिला होगा महासमुंद। पूर्वी सीमा क्या होगा? तहसील अंबाभवन, जिला बरगढ़ उड़ीसा। तो ध्यान रखिएगा कि इस जो तीन जिला है जो आज मैं बता रहा हूँ, इसमें से दो जो है वो किसी राज्य को स्पर्श करेगा। मोहला मानपुर जो है वो महाराष्ट्र को टच करेगा और सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला जो है वो उड़ीसा को टच करेगा। और इसकी जो वेस्ट की सीमा होगी, यानी कि पश्चिमी सीमा, वो तहसील कसडोल जिला बलौदाबाजार भाटापारा इस तरह से प्रस्तावित किया गया। तो इसका भौगोलिक क्षेत्र आप याद रखिएगा। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव एवं राज्योत्सव 2021, एक लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इस वर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के नाम पर रखा गया है। कौन सा राष्ट्रीय प्रतीक? साल के नाम पर इस महोत्सव का नामकरण रखा गया है। तो यह भी याद रखिएगा, कौन सा राष्ट्रीय प्रतीक के नाम पर इस साल का राजकीय उत्सव या फिर राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव मनाया गया है? तो साल, यानी कि राजकीय वृक्ष। कब से कब तक आयोजित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। तो 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक। अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा। मुख्य अतिथि कौन थे? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। कौन कौन से राज्य शामिल हुए? तो टोटल 27 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो है इसमें शामिल हुए।
कुछ देश भी शामिल हुए हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ की वेबसाइट पर, जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट पर जाओगे, मुख्यमंत्री का ट्वीट देखोगे, तो इन लोगों ने क्या किया, उल्लेख 8 देशों का किया और मेंशन 7 देश किए। मतलब लिखे कि 7 देश भी शामिल हो रहे हैं, लेकिन जब 7ों देश का नाम लिखे तो उसमें 8 देश था। तो यहां पर 8 देश अगर लिखा गया है तो मैं मानकर चल रहा हूं कि 8 देश ही हैं। नाइजीरिया, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, युगांडा, स्वाजीलैंड, मालदीव, पैलेस्टाइन और सीरिया, ये 8 देश हैं जो इस राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल हुए हैं। और मैं सिर्फ लिखने से कंफर्म नहीं कर रहा हूं, जो प्रस्तुति वहां दिया गया उस आधार पर मैंने कंफर्म किया है। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार ने हर जगह 7 लिखा है, 7 लिखा है, लेकिन 8 देश उल्लेख किए हैं खुद उन्होंने ही, तो 8 देश आप मानकर चलिएगा। ठीक, चलिए आदिवासी नृत्य प्रतियोगिता के विजेताओं का आप नाम याद रखिएगा, या फिर कौन से क्षेत्र को या फिर कौन से राज्य को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ, सेकंड पुरस्कार प्राप्त हुआ, कैटेगरी कौन से में प्रथम सेकंड प्राप्त हुआ, ये याद रखिएगा। तो 2 कैटेगरी था, जिसमें सबसे पहला था विवाह संस्कार श्रेणी, इसमें प्रथम पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ, तो झारखंड के करसा नर्तक दल को। द्वितीय पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाइएगा, ओडिशा के धप नर्तक दल को। तीसरा पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ, तो असम के कार्बी तिवा नर्तक दल को। इसके बाद दूसरा जो कैटेगरी था आदिवासी नृत्य प्रतियोगिता के विजेता, कौन सा, अन्य पारंपरिक त्यौहार श्रेणी। 2 कैटेगरी होता है, पहला कैटेगरी कौन सा था, विवाह संस्कार श्रेणी, और दूसरा कैटेगरी कौन सा है, अन्य पारंपरिक त्यौहार श्रेणी। प्रथम पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ, तो झारखंड के छाऊ नृत्य दल को। द्वितीय किसको प्राप्त हुआ, तो उड़ीसा के बात्सल नर्तक को। और तीसरा किसका हुआ, तो छत्तीसगढ़ के गौर सिंह नर्तक दल को प्राप्त हुआ। तो दोनों कैटेगरी में फर्स्ट सेकंड थर्ड का नाम आप याद रखिएगा कम से कम। ठीक, अब राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 के बारे में भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि राज्योत्सव के आखिरी दिन राज्य अलंकरण पुरस्कार प्रदान किया जाता है प्रत्येक वर्ष। इस वर्ष भी राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 से अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग कैटेगरी में लोगों को पुरस्कृत किया गया है। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताते जाता हूँ। एक पुरस्कार की घोषणा इस साल पहली बार किया गया है, यानी कि इसमें नया पुरस्कार ऐड किया गया है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, बाकी सबको आप पीडीएफ से पढ़ेंगे, तो ज्यादा वीडियो लंबा ना हो करके मैं सारी जिनको पुरस्कार मिला है सभी को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, साइंस कॉलेज में आपको पता है कि राज्योत्सव का आयोजन किया गया रायपुर में। समापन समारोह में छत्तीसगढ़ के विभिन्न विभूतियों को उनके उपलब्धियों के लिए जो है सम्मानित किया गया। इस बार ये डेटा याद रखिएगा, 31 विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जो भी लोग थे या फिर जो भी संस्थान था उसे सम्मानित किया गया है। कितना, 31 विभिन्न विधाओं में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने विभिन्न विधाओं में राज्य अलंकरण पुरस्कार के तहत विभिन्न विभूतियों को सम्मानित किया गया है, तो ये नंबर होगा 31। ठीक, ये देख लो, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा जो भी जितने भी लोगों को पुरस्कार दिया गया है, तो 4 कैटेगरी है इसमें, और चारों कैटेगरी में किन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ है नाम याद रखिएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से पढ़ लीजिएगा, नोट्स बनाना है नोट्स बना लीजिएगा। ये हो गया आपका गृह पुलिस विभाग द्वारा किसे पुरस्कार दिया गया, तो गृह पुलिस विभाग में यह भी पूछा जा सकता है कि गृह पुलिस विभाग द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो लखनलाल मिश्रा सम्मान पुरस्कार। तो आपको इस तरह से भी याद रखना है, अगर करंट अफेयर से रिलेटेड ना पूछे, डायनेमिक पार्ट, तो स्टैटिक पूछेगा कि पुलिस विभाग द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, 4 पुरस्कार दे दिए और इसमें से आपको एक चूज करना होगा, तो याद रखिएगा पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान दिया जाता है छत्तीसगढ़ पुलिस गृह विभाग द्वारा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 3 कैटेगरी में पुरस्कार दिया जाता है, किसे किसे दिया गया याद रखिएगा। इसके बाद खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा कौन सा सम्मान दिया जाता है, गुंडाधुर सम्मान दिया जाता है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा किसे प्राप्त हुआ, ये आपको याद रखना है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो मिनी माता सम्मान दिया जाता है, किसे प्राप्त हुआ ये याद रखना है। सहकारिता विभाग द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, ठाकुर प्यारेलाल सम्मान दिया जाता है, किसे दिया गया ये याद रखना है। कृषि विभाग द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान दिया जाता है, किसे दिया गया ये याद रखना है। समाज कल्याण विभाग द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, दानवीर भामाशाह सम्मान दिया जाता है, किसे दिया गया याद रखिएगा। मत्स्य विभाग द्वारा कौन सा दिया जाता है, श्रीमती विलासा बाई किंवटीन मत्स्य विकास पुरस्कार, ये भी याद रखना है ना कि कौन से विभाग द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, पूछा जा सकता है, याद रखना है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संस्कृत भाषा सम्मान दिया जाता है, किसे दिया गया याद रखना है। श्रम विभाग द्वारा महाराजा रामानुज प्रताप सिंहदेव सम्मान दिया जाता है, किसे दिया गया है ये याद रखना है। इसके बाद ग्रामोद्योग विभाग द्वारा कौन सा सम्मान दिया जाता है ये याद रखना है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कौन सा सम्मान दिया जाता है और किसे दिया गया है आपको ये याद रखना है।
इसके बाद आते हैं जनसंपर्क विभाग द्वारा कौन सा, चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार दिया जाता है, मधुकर खेल स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार दिया जाता है, माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मक सम्मान दिया जाता है। तीन कैटेगरी आता है जनसंपर्क विभाग के अंडर में। विधि एवं विधायिका विभाग द्वारा कौन सा सम्मान दिया जाता है, बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान दिया जाता है, किसे दिया गया है ये याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा जो पुरस्कार दिया जाता है वो संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य अलंकरण पुरस्कार के तहत कौन से विभाग द्वारा सबसे ज्यादा पुरस्कार दिया जाता है, तो आंसर होगा संस्कृति विभाग द्वारा। 8 कैटेगरी में पुरस्कार दिया जाता है, पहले 7 दिया जाता था और इस साल एक सम्मान और ऐड किया गया है, इसमें देवदास स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार पिछले ही महीने इसको जोड़ा गया है। और इसके पहले प्राप्तकर्ता कौन है याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, नया ऐड किया गया है इस वर्ष देवदास स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार गौरकरण दास बघेल को दिया गया है, दुर्ग जिले के रहने वाले हैं। देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार पहले भी दिया जाता था लेकिन पंथी नृत्य पुरस्कार को इससे अलग कर दिया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़े। इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गुड गवर्नेंस में छत्तीसगढ़ देश में 5 श्रेष्ठ राज्यों में शामिल किया गया है। ठीक है, तो हाल ही में गुड गवर्नेंस से संबंधित एक इंडेक्स रिलीज किया गया और इसमें छत्तीसगढ़ को जो है 5 बड़े राज्यों के कैटेगरी में जो है कौन से स्थान पर रखा गया है, तो छत्तीसगढ़ को जो है 4th स्थान प्राप्त हुआ है बड़े राज्यों के कैटेगरी में। और केरल इस कैटेगरी में पहले नंबर पे है 1.618 नंबर के साथ। तो पहला याद रखिएगा, दूसरा तीसरा याद रखने की जरूरत नहीं है, छत्तीसगढ़ का नाम याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ को 4th स्थान प्राप्त हुआ है गुड गवर्नेंस इंडेक्स में, इस बात को ध्यान रखिएगा। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स जो है इसे कहा जाता है, पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा इस इंडेक्स को रिलीज किया जाता है। 5 विषय, 14 सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और टोटल 43 इंडिकेटर्स के आधार पे इस इंडेक्स को जो है रिलीज किया जाता है। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया जाता है। अब इस बात को याद रखिएगा, 14 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो यूनाइटेड नेशन, हम बार बार पढ़ते हैं कि यूनाइटेड नेशन द्वारा 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अडॉप्ट किया गया कि 2030 तक ये लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड इंडेक्स रिलीज करता है, जो हमने पढ़ा भी है। नीति आयोग भी भारत के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का इंडेक्स जारी करता है, कौन सा राज्य कौन से नंबर पे है इस वर्ष हमने वो भी पढ़ा है। अब इस इंडेक्स में इस 14 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को जो भारत ने अडॉप्ट किया है 17 में से, उसे भी शामिल किया गया है और यहाँ पर राज्यों को रैंकिंग दिया गया है। पहले राज्य पे मैंने बोला केरल, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे तेलंगाना और चौथे पे छत्तीसगढ़ है। क्लियर है, चलिए इसके बाद छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जाएगी, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। कब से किया जाएगा इस वर्ष, तो 1 दिसंबर 2021 से किया जाएगा। लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है, तो लक्ष्य है आपका 105 लाख मीट्रिक टन इस साल धान की खरीदी की जाएगी। पिछले साल से कहीं ज्यादा है, पिछले साल जो लक्ष्य था वो 85 लाख मीट्रिक टन का था, बाद में बढ़ाया गया था। और पिछले साल जो है धान की खरीदी 92.81 लाख मीट्रिक टन की बम्पर खरीदी की गई है। पिछले 3-4 सालों में अगर आप देखोगे ना, तो लगातार जो है धान खरीदी का लक्ष्य बढ़ा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार जो है पूरे देश भर में सबसे अधिक कीमत पर धान की खरीदी करती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो केंद्र सरकार देता है, उसके बाद एक अलग से इंसेंटिव आप कह लो या फिर एक समर्थन मूल्य कह लो, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दिया जाता है अलग से। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार 2500 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से धान की खरीदी करती है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। उसके बाद जो रकम बच जाता है वो सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत दिया जाता है। केंद्र सरकार जो है इस साल छत्तीसगढ़ से कितना धान खरीदने का वचन दे चुकी है, यानी कि सहमति दी है, तो 61.65 लाख मीट्रिक टन। टारगेट याद रखिएगा, कितना खरीदी किया जाना है, कब से शुरू हो रहा है याद रखिएगा, खासकर अभी इतना डेटा आया है तो इतना ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इस वर्ष खरीफ वर्ष के लिए धान पर केंद्र सरकार द्वारा कितना तय किया गया है, जो सामान्य धान है उस पर 1940 रुपये, और इसके बाद 2500 कवर करने में जितना बच जाता है यानी कि 560 रुपये, वो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ के किसानों को दिया जाएगा। ए ग्रेड का जो धान है वो 1960 रुपये में 72 रुपये इस वर्ष बढ़ाया गया है, यानी कि 52% की जो है मुनाफा और सरकार किसानों का लागत मूल्य का मिलेगा। तो इस तरह से सरकार का मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी याद रखिएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा, यानी कि जिस कीमत पर केंद्र सरकार किसानों से धान खरीदती है, मतलब
मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब इससे नीचे नहीं खरीदा जाएगा, सिंपल वर्ड में आप यह समझ सकते हो। अगला, भूलन द मेज को मिला है नेशनल अवार्ड। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में छत्तीसगढ़ की फिल्म भूलन द मेज को भी राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। तो भूलन द मेज मूवी के बारे में आपको याद रखना है, इसका डायरेक्टर कौन है, मनोज वर्मा है, लेखक कौन है, संजीव बक्सी है। यह फिल्म भूलन कांदा उपन्यास पर आधारित है और इस फिल्म के टाइटल में जो भूलन शब्द का यूज किया गया है ना, इसका मतलब होता है कांदा। ठीक, तो भूलन द मेज को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और किसे किसे सम्मानित किया गया है नेशनल लेवल पे, हम इसे कभी जरूर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भूलन द मेज को कोलकाता, दिल्ली, ओरछा, आजमगढ़, रायपुर, रायगढ़ एवं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, इटली और कैलिफोर्निया में भी पुरस्कृत किया जा चुका है। राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है, राज्य लेवल पे भी पुरस्कार मिला है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है इटली और कैलिफोर्निया में, ये भी याद रखिएगा। और नई फिल्म नीति के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने नई फिल्म नीति लॉन्च की है और जो छत्तीसगढ़ी फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा उसे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 1 करोड़ रुपए का अनुदान राशि दिया जाएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके प्रीलिम्स के लिए, याद रखिएगा कि अगर छत्तीसगढ़ में किसी राष्ट्रीय फिल्म को छत्तीसगढ़ी फिल्म को राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सम्मानित किया जाता है तो छत्तीसगढ़ सरकार उसे अनुदान के रूप में 1 करोड़ रुपए देगी और ये इसी वर्ष लॉन्च हुआ है। क्लियर, अब क्वेश्चंस का आंसर जान लीजिए। जो हमने शुरू में आपसे क्वेश्चन पूछा, सारे टॉपिक डिस्कस किए हुए हैं तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिर्फ आंसर बता देता हूँ कौन कौन सा आंसर होगा ताकि आप ये जज कर पाएं कि आपने सही आंसर दिया है या नहीं। पहला टॉपिक क्वेश्चन था, 12 अक्टूबर को राज्यपाल अनुसुईया उइके द्वारा न्यायमूर्ति अरूप गोस्वामी को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई। अरूप गोस्वामी छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के किस क्रम के जस्टिस हैं, ये होंगे आपके 14th। ठीक, 13th कौन थे, तो रामचंद्र मेनन। 12th कौन थे, अजय कुमार त्रिपाठी। और अभी जो प्रशांत कुमार मिश्रा हैं वो एक्टिंग चीफ जस्टिस थे तो इसलिए क्रम में उनका नाम शामिल नहीं होगा। आप नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइए कि छत्तीसगढ़ के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एक्टिंग मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले सीक्वेंस वाइज मुख्य न्यायाधीश कौन थे, इसका आंसर आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। और जो छत्तीसगढ़ के एक्टिंग चीफ जस्टिस अभी तक थे, इससे पहले तक, इनके चीफ जस्टिस बनने से पहले तक प्रशांत कुमार मिश्रा, उनको आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है और ये छत्तीसगढ़ के पहले ऐसे निवासी है जिन्हें किसी राज्य गठन के बाद किसी राज्य का मुख्य न्यायाधीश, किसी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, तो ये भी याद रखिएगा। दूसरा, हाल ही में सांसद ग्राम आदर्श योजना की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इस योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ को देश में किस स्थान पर रखा गया है, आंसर होगा 4th। ठीक, पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो क्लिक कर लीजिएगा, इन सारे क्वेश्चंस का जो डीप एक्सप्लेनेशन किया हुआ है उस वीडियो में किया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। राजकीय गमछे का लोकार्पण किया गया, इस गमछे की चौड़ाई और लंबाई क्रम से याद रखना है, याद रखिएगा इसका आंसर जो है वो पहला होगा। अगर यही लंबाई और चौड़ाई पूछा रहता तो ऑप्शन इस तरह से होता, 84 इंच और 24 इंच क्रम से पूछा गया, तो अगर सीक्वेंस बदल दे तो आपका जो इस आंसर का सीक्वेंस है वो बदल जाएगा। ठीक है, तो 24 इंच चौड़ाई है और 84 इंच लंबाई है, याद रखिएगा। इसके बाद अगला है, महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज की संकल्पना को अछूट रखने के लिए छत्तीसगढ़ के किस स्थान में वर्धा के तर्ज पर सेवाग्राम की स्थापना की जा रही है। महाराष्ट्र में सेवाग्राम का स्थापना महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, वहाँ पर वहीं से आज़ादी का जो मूवमेंट था, असहयोग आंदोलन का मूवमेंट था, तो सारी चीज़ों को देखने के लिए महात्मा गांधी ने वहाँ स्थापित किया था और उन्हीं के आदर्शों का पालन हो सके, छत्तीसगढ़ में भी लोग उनके आदर्शों से सीख सकें, तो इसीलिए जो है सेवाग्राम की स्थापना छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में किया जा रहा है, याद रखिएगा। अगला, मुख्यमंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के गौठानों में गोबर से विद्युत उत्पादन परियोजना का शुभारंभ कब से किया गया है, तो ये गांधी जयंती के अवसर पर किया गया है, गौठानों से इसका शुभारंभ 2 अक्टूबर 2021 से। कहाँ कहाँ किया गया है, अभी फर्स्ट फेज में कहाँ कहाँ किया गया, तो ये सारी चीज़ों को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, बस याद रखिएगा, पिछला वीडियो जाकर देख लीजिएगा। और इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, फिलहाल इतने, धन्यवाद।